कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी राजस्थान को लेकर कमर कस ली है। कल वसुंधरा राजे दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने वाली हैं, जहां राजस्थान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर बीजेपी 2024 को लेकर अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में भी लग गई है, लेकिन तमाम अटकलों के बीच नेताओं के बयान रोज नए नए समीकरण बना रहे हैं। ये 2024 की जंग है। विपक्ष पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है, तो वहीं बीजेपी अब अपने कुनबे को बढ़ा रही है। एक के बाद एक पार्टियों की आलाकमान से मुलाकात का दौर जारी है। अटकलें थी कि अकाली दल भी बीजेपी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सुखबीर बादल ने बीजेपी के साथ जाने की सारी अटकलों को खारिज कर दिया। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। इससे पहले साउथ की सियासत को साधने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया और उसका श्रेय नहीं लिया। ऐसे में सवाल आंध्र प्रदेश में बीजेपी किसके साथ जाने वाली है ये हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद टीडीपी के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो रही थी, क्योंकि बीजेपी के आला नेता लगातार वाईएसआर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने एमटी रामाराव की बेटी डी परंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। चंद्रबाबू के रिश्तेदार परंदेश्वरी से उनका 36 का आंकड़ा है। दूसरी तरफ तेलंगाना में केसीआर के सबसे मुखर विरोधी बंडी संजय को हटा दिया, जो टीडीपी से गठबंधन के सबसे प्रबल समर्थक थे। वहीं तेलंगाना की कमान जी किशन रेड्डी को सौंपी गई है, जिन्होंने 2014 में पार्टी के भीतर टीडीपी से गठबंधन का विरोध किया था। यानी बीजेपी ने कहीं न कहीं संकेत दिए हैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी बात बनती नजर नहीं आ रही। वहीं अगर यूपी की बात करें तो जयंत चौधरी और ओपी राजभर जैसे नेताओं के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन दोनों नेताओं ने अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। विपक्षी एकता में मायावती जी को ले लें, मायावती जी, सोनिया जी, जयंत जी, नीतीश जी एक साथ मंच पे हो जाए, 2 घंटा पहले हमको बतावे कि आप भी आ जाओ, हम भी पहुंच जाएंगे। ये तो हम बार बार कहते हैं। अब सवाल ये है कि एनडीए के विस्तार में कौन सी पार्टियां साथ आने वाली हैं? 2024 के रण में टीम मोदी के साथ कौन कौन से दल खड़े होंगे, इस पर सियासी समीकरण का खेल जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।